कोटपुरा बस अड्डे की खस्ता हालत इमारत को बनाने की उठी मांग। बस अड्डे पर लगा कूड़ा डंप उठवाने व सवारियों को बैठाने के लिए बेंच आदि लगवाने की मांग की गई। नगर कौंसिल कोटपुरा बस अड्डे द्वारा बहुत पैसा कमाती है, मगर उन पैसों से रत्ती भर पैसा भी बस अड्डे के विकास पर नहीं लगाती, कहा बस अड्डा मुलाजमों ने। यहाँ एक और कोटपुरा के बस अड्डे द्वारा बसों की पर्चियाँ, पार्किंग, दुकानों व अन्य तरीकों से नगर कौंसिल कोटपुरा अनेक पैसा कमाती है, पर उन पैसों से रत्ती भर भी राशि बस अड्डा कोटपुरा के विकास पर नहीं लगाती। बस अड्डा कोटपुरा पर मौजूद बस अड्डा मुलाजमों में इस बात को लेकर भारी रोष पाया जा रहा है। वह साथ ही बस अड्डे पर बना गंदगी से भरा कूड़ा डंप, जो कि हर समय गंदगी व बदबू से भरा रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों का बुरा हाल होता है, वह यहाँ पर सवारियों के बैठने योग्य बेंच, लाइट्स व पंखे आदि भी नहीं है, जिससे आने जाने वालों के अलावा बस अड्डा मुलाजमों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस समय बस अड्डा मुलाजमों में उपस्थित हरबंस सिंह, जसप्रीत सिंह, गुरप्रीत सोढी और स्वीटा सिंह आदि अन्य इकट्ठे होकर मीडिया के सामने इसी बात पर भारी रोष जताते हुए कहा कि नगर कौंसिल कोटपुरा स्थानीय बस अड्डे से बहुत पैसा कमाती है। यहाँ पर बसों की संख्या बहुत है, पार्किंग है, दुकानें हैं व अन्य और भी ऐसे साधन हैं जिससे नगर कौंसिल कोटपुरा को पैसा इकट्ठा होता है। बड़े दुख व शर्म की बात है कि नगर कौंसिल कोई भी पैसा खर्च नहीं करती विकास के लिए। हाँ जी, की समस्या वो कहना चाहते हो गंदगी बारे? हाँ जी, यही कहना चाहते हैं। गंदगी से दसो सफाई करो, लोगों का मच्छर ना मच्छर खाना, लोगों को सफाई होनी चाहिए। कोई भी सफाई है ना, वो हरेक शहर की सुंदरता का प्रतीक होता है। हर कोटपुरे का बस स्टैंड यहोजा कि जेड़ा बस सवारियों के बस स्टैंड के बैठने जगह घट आ, उन्होंने इमारता वो कदम भी टिक सकती है, वो अनसेव की हुई है, सवारियों के बैठने कोई जगह नहीं है। पर जरा कूड़ा जाके देख लो तुम, वो नवा शैड हाले 7 महीने हुए पाए नू, कूड़े वास्ते शैड पाया नवा सरकार ने, तो पर सवारियों के बैठने वास्ते खंडर नवा इमारत तुम देख सकते हैं, कदों भी टिक सकती। हाँ जी, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी। तो की कहना तुहाडा इत्थे बस स्टैंड ते? ये बस स्टैंड जी साडे मानयोग मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ट्रांसपोर्ट मंत्री सीगे जी, उदों नींह पत्थर रखे गए सीगे इहदा तैयार कराउण नू, नवां बनाउण नू। उहनां दे पैसे बिल वी पास हो चुके सी, इट्टां वी छट्टे, समान वी छट्ट गए सी। जदों दी आ सरकार आई है ते बिल्डिंग उह वी खड़ी है जी। इहदा मतलब जी बरसातां दा मौसम आ जी, आह देखो लिख के लाए गए वेटिंग अनसेफ है। जदों बरसात आउंदी आ तां सारी सवारी इत्थे आ जांदी है जी। कूड़ा डंप बनाता हिंदुस्तान का पहला, वह ना कि बस स्टैंड है जी, जिदे कूड़ा डंप बनाया जाए वो तो छिट पा देना वा, तो सवारियां खड़ो ना कोई थान ना कोई जगह जी, ये की पता कोई डिग पे आता देख सकते हो, पत्थर तो डिगते जो बारिश हो के हटती है, मुड़ के धुप लगती है ना आदि ना डिग दे, जिसे छिट पी वो मर। सरकार को ध्यान ही नहीं इस पास जी। नहीं की मतलब ये कमेटी नगर कौंसल ने नहीं ध्यान दिता, मतलब बस स्टैंड नगर कौंसल ने ध्यान ही नहीं दिता जी। जो पैसे पास हुए थे तो कम शुरू कराते, जो मटीरियल सट के सारा, इटा सट के, बजरी सट के, सब कुछ सट गए, जिदे बरसात होगी कुछ ज्यादा होगी, लड़ करी जाते बरसात ज्यादा होनी है, तो सवारियाँ इसे हो गई कि नुकसान हो किसी अंदाजा भी नहीं, फिर बाद की फायदा मरे तो मुँह धोल आता कोई फायदा नहीं। मरने वाले अलग 1,00,000 रुपया जी, जो जख्मी होगा उन्होंने 50,000 रुपये सहायता नाल दी नाल आ जाएंगे, कैमरे लेके भी आ जाएंगे, पुलिस भी आ जाएंगे ना, वो जो पहला क्यों नहीं जिन्ने पैसे उदो लाने तो पहला क्यों काम कराऊंगे भी, जिम्मे तुम कह रहे हो बिल्डिंग अनसेफ है भी, थोड़ी भी जिंदगी इतने जरा बुरी तरह, जिन्ने सब कोई टिकाने ही नहीं, कोई खा नहीं बैठा जी, ये कहीं होर बना देन, यदा काम चला देन, कहीं होर आरजी बना देन 4 महीने लिए। कमाई किन्नी है तुम देखो, बस हरेक बस 24 रुपये की पर्ची है, 3-3 मिनट बाद बस करती है, सारी कमाई कितने जाती है जी, यदि कमाई करके ये ला देना, होर आते पलियों नहीं कुछ लाना, यदि कमाई ला दें जी भी, होर जरा कूड़ा डंप है मतलब इतों चक्या जाए, चक्या जाए मंग जी बहुत, चलो बड़िया खबर ही लवाना जी, किसी ने कुछ सुनी नहीं जी, कूड़ा डंप नहीं जी, ये तो वह की केंद्र की देन है जी, केंद्र की देन की है, स्टेट का पंजाब की है जी,
जिहड़ा बस स्टैंड हुंदा उह शहर की सुंदरता का प्रतीक हुंदा ये बीमारियां दा घर है जी इत्थे इत्थे तां कोई रस्तेदार आउंदा वी किसे दा लगा कहिंदा की आ तुहाडा बस स्टैंड है इत्थे पूरा डंप इन्ना मुश्क मारदा हुण मीह पै गया जी बड़ा मुश्क मारदा हुण आखिरी शब्दों में तुहाडी मंग जिहड़ी तुसीं दस्सो साडी मंग है जी बिल्डिंग ढा के दूजी वार बनाई जाए इत्थे पूरा डंप चकाया जाए सवारियां दे बैठण दा प्रबंध किया जाए पक्षियां दा प्रबंध चंगी तरह किया जाए पीने वाले पानी का चंगी तरह प्रबंध किया जाए जी नहीं साडी कोई जिंदगी ठीक है सर।